अल्लाह के बंदो अल्लाह ताला के सामने दुआ करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, इस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े तोहफे की शक्ल में हम और आपको अता किया। अल्लाह ने फरमाया وقال ربكم ادعوني استجب لكم, तुम्हारे रब ने कहा तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं, तुम दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ने यहां तक कहा इन الذين يستكبرون عن عبادتي, जो मेरी दुआ नहीं, मुझसे दुआ करना नहीं चाहते या मेरी इबादत नहीं करना चाहते, वो जहन्नम में जलील और रुस्वा होकर दाखिल होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, जो अल्लाह से मांगता नहीं, अल्लाह से दुआ करता नहीं, अल्लाह उस पर गुस्सा होता है। दुनिया वालों से मांगो तो गुस्सा होते हैं, अल्लाह ताला से ना मांगो तो अल्लाह ताला नाराज होता है। अल्लाह के बंदो दुआ करो, दुआ करो कि अल्लाह ताला ने दुआ को मोमिन का हथियार बनाया। आप ये बात याद रखो, दुआ एक ऐसी चीज है जिसे उस आदमी को भी इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत ताकतवर है, इसलिए कि यह ताकत भी महज एक सबब है। ताकत को मुफीद बनाने न बनाने का फैसला ताकत देने वाला रब करता है। इसलिए आप ताकतवर हैं, आप ताकतवर होते हुए भी अल्लाह से दुआ कीजिए। आप अगर बहुत समझदार हैं और बड़ी तदबीरें कर रहे हैं, आप तदबीर करते हुए भी दुआ कीजिए कि आपकी तदबीर को कामयाब करने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी चाहिए। आप दुनिया में जो कर सकते हैं, जो सही है, जो अंदाज सही होता है, अपनाइए, लेकिन उसके साथ दुआ कीजिए कि दुआ हमारे और आपके इन असबाब को कारगर बनाने का सबसे अहम जरिया हो जाती है। और अगर हम बेबस और अगर हम बेसहारा, हमारे इख्तियार में कोई चीज नजर नहीं आती, हम तड़पते हैं, हम अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं जो आदमी दुनिया के एतबार से बेबस होता है वो कभी पूरी तरह बेबस नहीं होता, कम से कम अल्लाह ताला का दरवाजा उसके सामने जरूर खुला रहता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने यही दुआ की फदा रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर, कौम हजरत नूह पे गालिब आ गई। नूह अलैहिस्सलाम दावत देते देते थक गए, कौम मानने के लिए तैयार नहीं और उल्टा हजरत नूह को बेबस करके छोड़ रही है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बेबस करके सता रही। हजरत नूह जब बेबस हो गए तो कहा रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे रब मैं बेबस हो गया हूं लेकिन तू तो नहीं, मैं बेबस बेसहारा हो गया हूं लेकिन तेरा सहारा है, फंतसिर, ऐ अल्लाह ताला तू इनसे इंतकाम लेना, तू मेरी मदद करना, तू मेरा सहारा बन जाना। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किया। भाइयों एक बात याद रखना, दुआ हम आम तौर पर एक बात कहते हैं सुनते हैं, दुआ कमजोरों का बड़ा सहारा, याद रखना यह कमजोरों का सहारा है लेकिन कमजोर सहारा हरगिज नहीं अल्लाह के बंदो। दुआ यकीनन बेबस लोगों का सहारा है लेकिन दुआ बेबसी का सहारा नहीं अल्लाह के बंदो। यह दुनिया का सबसे कारगर हथियार है, दुनिया की सबसे कामयाब, यूं समझिए कि मंसूबाबंदी है, दुनिया का सबसे कामयाब रास्ता है जहां से आदमी अपने मसाइल के हल का दरवाजा खोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको इसीलिए सिखाया कि दुआ करते हुए भी यह ना सोचो कि हमारी दुआएं रायगा जाएंगी, पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी, हम कितनी बार दुआ कर रहे हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रहे, हम यहां दुआ कर रहे हैं और वह जालिम वहां जुल्म किए जा रहे हैं। इस्लामी शरीयत कहती है यह सोच गलत है, यह सोचने का अंदाज गलत है। आपका मेरा काम यह है उदउ अल्लाह व अंतुम मुकिनून बिल इजाबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम दुआ करो तो यकीन के साथ दुआ करो कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, इस यकीन के साथ दुआ करो कि अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, ये ना सोचो कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेगा कि नहीं करेगा। आप देखो आज आपके सामने मैं इस दुआ के जरिए कैसे नामुमकिनात मुमकिन में बदल गए, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूमों की मदद की, कैसे बेसहारा लोगों को अल्लाह ताला ने दुआओं के जरिए सहारा दिया। किताब सुन्नत की तालीमात की रोशनी में कुछ मिसालें आप हजरात और खवातीन के सामने जिक्र करता हूं। देखो जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास उनका अपना रब था और उन्होंने जब अपने रब पे यकीन रखते हुए दुआ की अल्लाह ताला ने उनको मायूस नहीं किया। यह आप इन वाकियात या इन अहादीस के अंदर देखेंगे जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। इसीलिए बात याद रखें
سلف صالحین میں سے بعض نے بڑی پیاری بات کہی, وہ کہتے تھے جب اللہ تعالیٰ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے گی. کہتے تھے اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دے, میں یقین کر لیتا ہوں کہ وہ میری دعا قبول کرے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب دعا کی وہ توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میری دعا قبول کرنا چاہتا ہے. وہ مجھے توفیق دے رہا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہ میرا رب ہے, میری دعا قبول کرنا چاہتا ہے. اسی لیے جب مجھے دعا کی توفیق مل جاتی ہے میں یہ مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر کے رہے گا. اسی یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. دیکھو میں آپ کے سامنے گناتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے کیسے حالات میں کیسے کیسے لوگوں نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی. سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا تذکرہ فرمایا. تینوں جنگل میں تھے, بارش ہو گئی, بارش سے بچنے کے لیے تینوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی. پناہ لی, بارش نے زور پکڑا, ہوائیں چلی تو پہاڑ کے اونچے حصے سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور آ کر سیدھے غار کا جو منہ تھا, جو راستہ تھا, جو دہانا تھا, اس پر جم کر بیٹھ گئی. ایسے جم کر بیٹھی کہ اب باہر سے کوئی, اندر سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا اور باہر کی دنیا والوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ اندر کوئی پھنسا ہوا بھی ہے. باہر کے لوگوں کو پتا ہو تو باہر کے لوگ مدد کریں گے, نکالیں گے, اور اندر کے لوگ تین لوگ سارا زور بھی لگا دیں تو اس چٹان کو اپنی طاقت کے بل پہ ہٹانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں. آپ سوچو یہ وہی تو صورتحال ہے. انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں, باہر والے میرے کچھ کام نہیں آ سکتے, اندر میرے جو بس میں ہے وہ میرے کام نہیں آ رہا. ایسے موقع پہ مایوس نہیں ہوا کرتے. تینوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, تینوں نے اپنی اپنی زندگی کے ایک اہم عمل کا حوالہ دیا. ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا حوالہ دیا, دوسرے نے اپنی عفت اور پاک دامنی کا حوالہ دیا, تیسرے نے اپنی امانت داری کا حوالہ دیا, اپنی نیکیوں کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایک آدمی دعا کرتا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ چٹان کو تھوڑا تھوڑا ہٹاتا چلا جاتا تھا. نتیجہ یہ ہوا تیسرے کی دعا ہونے ہونے تک چٹان اتنی ہٹ گئی کہ ان تینوں کے اس باغار سے نکل آنے کا راستہ بن گیا. دعا ناممکنات کو ممکن بناتی ہے, دعا بے سہاروں کا سہارا بن جاتی ہے, دعا بے بسوں کا بس چلانے والی بن جاتی ہے. جن کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے دعا ان کے سامنے اجالا لاتی ہے, جن کے سامنے راستے بند ہوتے ہیں دعا ان کے سامنے راستے کھولتی ہے. اللہ کے بندوں آپ دیکھو ان دونوں نے دعا کی تو کس حال میں کی. دنیا کے اسباب میں ہم کہتے نگاہوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی, نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا, لیکن جب انہوں نے پوری یقین سے اللہ سے دعا کی, اخلاص کے ساتھ دعا کی, اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے ان کا وسیلہ لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کو مشکل سے نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں آپ نے سنا ہوگا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹے بچے تھے. آپ کو معلوم ہے والد بڑے نیک انسان تھے. وہ کہتے تھے حرام لقمہ تو دور کی بات ہے, جس درہم کی کمائی میں شبہ بھی تھا کہ یہ پورا حلال ہے کہ نہیں, ایسا کوئی لقمہ میں نے اپنے بچے یا اپنی اولاد کو نہیں کھلایا. ایسے نیک باپ کے بیٹے, اور ماں اتنی نیک کہ تہجد گزار خاتون تھی. بیٹا اندھا ہو گیا بچپن لڑکپن ہی میں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور آدمی کے اندھا ہونے کے بعد بینا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے. اس دور میں نہ کوئی میڈیکل سائنس, نہ ان کی بینائی لوٹانے کا کوئی ذریعہ. اسباب کی دنیا میں کہے بینائی لوٹنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. ایسی حالت میں ماں نے دعائیں کی, تہجد میں اٹھ کے دعائیں کی ماں نے. کئی دن کی دعاؤں کے بعد ایک دن ان کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ رہے ہیں اور یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ یا ہذہ قد رد اللہ بصرہ علی, تیری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیرے اپنے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ بینائی حاصل کی, اللہ تعالیٰ نے اسی بینائی کے ذریعے وہ علم بھی عطا کیا جو علم آج مرتے دم تک قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن گیا. دعائیں ناممکن کو ممکن بناتی ہیں, اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے دعا کرو. آپ دیکھو
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا تذکرہ کیا. حضرت آسیہ ایمان لے آئیں, جادوگروں کو جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ہارتے ہوئے دیکھا یقین ہو گیا حضرت موسیٰ سچے نبی ہیں, ایمان لے آئی, اپنا ایمان چھپا کر رکھی. لیکن کب تک بات چھپتی, فرعون کو پتا چل گیا. فرعون نے دھمکی دی, ڈرایا, سب کچھ کیا, لیکن جب وہ واپس پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو فرعون نے حضرت آسیہ کے ساتھ یہ کیا. مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیے, پیر میں کیلے گاڑ دیے, اس طرح کہ وہ حرکت نہ کر سکے, اور بہت بڑی چٹان لایا اور آ کر اس نے کہا اب بھی ایمان لائے, واپس چھوڑ کر واپس نہ اٹھا, موسیٰ پر لائے ہو ایمان کو ترک کر دے, مجھے اپنا رب مان لے ورنہ یہی چٹان تجھ پہ گرا دوں گا. آپ سوچ سکتے ہیں, ظالم ہے, جابر ہے, وقت کا فرعون ہے, اور فرعون ظلم کی علامت ہے, اور وہ پورے اختیار کے ساتھ باندھ چکا ہے چٹان اس کے سر, ہاتھ ان کے سر پہ ہے, کسی بھی لمحے گرا سکتا ہے. ایسے موقع پہ حضرت آسیہ نے دعا کی. کیا دعا کی؟ دو دعائیں انہوں نے کی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ تعالیٰ تیرے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دینا. دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرعون اور اس کا شرک ہے اس سے مجھے نجات دینا, اور ان ظالموں کے ظلم سے مجھے نجات دے دینا. مفسرین نے لکھا کہ وہ جب ایمان سے نہیں پلٹی تو فرعون نے وہ چٹان حضرت آسیہ پہ ڈال دی اور مار دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اس چٹان کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آسیہ کو ان کا گھر بھی دکھا دیا, اور چٹان کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح بھی قبض کر لی. اس طرح کے چٹان ان کے جسم پہ گری, ایک مردہ جسم پہ گری, کوئی تکلیف بھی ان کو محسوس نہیں ہوئی. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں اور کیسے لوگوں کی کیسی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ قبول کرتا ہے. ظالم چاہے کتنا با اختیار ہو, مظلوم کے پاس موجود اس ہتھیار سے بڑا ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھتا. اللہ کے بندوں, مظلوم کے پاس یہ دعا کا سہارا, اس سہارے سے بڑا دنیا میں کسی ظالم کے پاس کوئی سہارا نہیں. چاہے ہزاروں حکومتیں, سینکڑوں حکومتیں, دسیوں حکومتیں, یا وقت کی بڑی حکومتیں کسی کے ساتھ کھڑی ہو جائے, ظالم کتنا ہی دنیا کے اعتبار سے اسباب رکھتا ہو, مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے دعا کا جو سہارا دیا اس سے بڑا سہارا ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے بندو دعائیں خوب کیا کرو. آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. جنگ بدر کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر بدر تک آئے, کافی لمبی مسافت, اللہ کے نبی تقریباً 150 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ مدینہ سے طے کر کے دور آ چکے ہیں. آپ نکلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے. قافلے کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہوتا, حفاظت کے لیے صرف مسلح چند افراد ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص تعداد 313 افراد کی تعداد اپنے ساتھ رکھی ہوئی. ہتھیار نہیں سواری کے لیے, جنگ لڑنے کے لیے جانور بھی نہیں جس پہ سوار ہو کے لڑ سکیں. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کا لشکر آ گیا جس کی تعداد بھی زیادہ, تیاری بھی زیادہ. ظاہری اسباب کے اعتبار سے اللہ کے نبی کمزور ہیں, صحابہ کمزور ہیں, آپ کا لشکر کمزور ہے, آپ کے پاس اسباب نہیں, اور ظالم زیادہ بھی ہے, طاقتور بھی ہے, اسباب بھی ہیں. ایسے موقع پہ نبی علیہ السلام نے لشکر کو ترتیب سے کھڑے ہونے کا حکم دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عریش, جو مقام آپ نے اونچا بنایا ہوا تھا, وہاں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی, کہا اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میری مدد کرے گا, اے اللہ تعالیٰ آج تو میری مدد کر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج اگر یہ بندے, یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والے شاید باقی نہ رہ جائیں. اللہ کے نبی با الحاح, اللہ کے نبی با اصرار دعا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی چادر پیچھے گر گئی. حضرت ابوبکر کو اتنا ترس آیا اللہ کے نبی کے اس گڑ گڑانے کو دیکھ کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف کو دیکھ کر. حضرت ابوبکر نے چادر اٹھائی, اللہ کے نبی کے کاندھوں پہ ڈالی, پیچھے سے اللہ کے نبی کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مطمئن رہیے, آپ کا رب آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا, اللہ آپ کی مدد کرے گا, آپ مطمئن ہو جائیے.
और अल्लाह ने मदद की। कैसी मदद की? अल्लाह ताला ने हथियार या फिर यह कि दुनिया के जाहिरी असबाब से खाली इस लश्कर की मदद आसमान से फरिश्ते उतार कर अल्लाह ताला ने की। मुसलमानों के शाना बशाना फरिश्तों ने जंगे बदर में लड़ाई की और मुशरिकीन को मुसलमानों की तलवारों से ज्यादा या मुसलमानों के हथियारों से ज्यादा फरिश्तों की मार ने मारा। मुशरिकीन मक्का में से कई लोग ये कहते थे मैंने ऐसे ऐसे सवार देखे जो अचानक नजर आते अचानक गायब हो जाते, मेरी समझ में ही नहीं आता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बाद सहाबा ने तकिए कहा हम तलवार उठाते कि काफिर के एक मुशरिक की गर्दन मारे मैदान जंग में, हमारी तलवार चलने से पहले उसकी गर्दन कटकर गिरते हुए हमने देखा। आसमान से उतरे हुए फरिश्तों ने मदद की। यह मदद कैसे आई अल्लाह के बंदो? ये मदद कैसे आई? अल्लाह के नबी की वो इखलास भरी दुआ, वो तड़प वाली दुआ, वो अल्लाह के सामने अपनी आजीजी और इनकिसारी के इजहार की दुआ, अल्लाह के नबी ने दुआ के जरिए जंग जीती है। आप ये कह सकते हैं जंगे बद्र में सहाबा लड़े, सहाबा ने अपनी जान के नजराने पेश किए, अपनी जान जोखिम में डाला, यह सब है। लेकिन इनमें अगर हम कह सकें तो शायद यह बेजा ना हो कि इन तमाम के साथ जंग असल में जीती तो नबी अलैहिस्सलाम के दुआ के जरिए जंग जीती गई। मेरे भाइयों, दुआ को बेसहारा ना समझो, दुआ को कोई कमजोर सहारा ना समझो, दुनिया दुआ को बेबसों की बेबसी ना समझो। दुआ हमारा और आपका बड़ा कामयाब हथियार है। आपको मालूम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया लबीद इब्न आसम ने और उसके साथ कुछ और शरपसंदों ने मिलकर नबी अलैहिस्सलाम पर जादू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम नहीं था कि आप पे जादू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तकलीफ थी। तकलीफ क्या थी? नबी अलैहिस्सलाम से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा राविया है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे महसूस होता कि आपने कोई काम किया है हालांकि आपने वो काम किया नहीं होता, और कभी ऐसे महसूस होता आपने काम किया होता लेकिन आपको महसूस होता कि वो काम आपने किया नहीं है। इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शरह करते हुए लिखा है कि जादू का असर सिर्फ इतना हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ रात गुजार चुके होते, सुबह आपको ख्याल होता कि शायद मैंने मियां बीवी वाले ताल्लुकात नहीं कायम किए, और कभी इसके उल्टा भी होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताल्लुक कायम नहीं किया होता, आपको ख्याल होता कि शायद मैंने अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम किए हैं। यह तकलीफ दो या तीन दिन तक चलती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे अल्लाह के नबी को पता चला? माई आयशा रिवायत फरमाती हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, दहा वदहा वदहा, मुसलसल दुआ की, कई बार अल्लाह के नबी ने दुआ की, और सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा कि आयशा देखो मैंने अपने रब से जो सवाल किया था, अल्लाह से मैंने वजह पूछी थी, अल्लाह ताला से मैंने अपनी तकलीफ का सबब पूछा था, अल्लाह ताला ने मुझे वो सबब बता दिया। रात में दो फरिश्ते आए, उनमें से एक मेरे पैरों के पास खड़ा हो गया, दूसरे मेरे सराहने के पास खड़ा हो गया। एक ने दूसरे से पूछा क्या हुआ है तुम्हारे साथी को, तो दूसरे ने जवाब दिया मतबूब इन पे जादू किया गया है। दूसरे पहले ने पूछा किसने किया है, फुला ने किया है। पहला सवाल किया कि कहां और किस चीज में जादू किया, दूसरे ने जवाब दिया कि कंघे में और आपके सर के जो बाल कंघा करते वक्त निकले उसमें किया गया है, और उसे ले जाकर एक ऐसे कुएं में रख दिया गया है जिस कुएं को लोग इस्तेमाल नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये सारी बातें दो फरिश्तों के जरिए रात में अल्लाह ताला ने मुझे बताई। मेरे भाइयों देखो, अल्लाह के नबी को तकलीफ थी, परेशानी थी, वजह मालूम नहीं थी, हुआ क्या है आपको पता नहीं था, लेकिन आपने दुआ की, बार बार दुआ की। नबी अलैहिस्सलाम के बार बार दुआ करने पर अल्लाह ताला ने वजह बता दी, बता दिया कि आप पे जादू किया गया, किसने किया, कहां किया, कैसे किया, सारी तफसील अल्लाह ताला ने बता दी। और फिर उसके बाद सही मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि जादू के असर का खातिमा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के रुकिया के जरिए अल्लाह ताला ने किया कि हजरत जिब्राइल आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करते रहे, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमा दी। आप देखो नबी अलैहिस्सलाम ने यहां भी दुआ के जरिए अपना इलाज किया, दुआ के जरिए नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुश्किलात को दूर किया। इससे मालूम होता है
कि आदमी को दुआ को गैर मामूली अहमियत देनी चाहिए कि दुआओं में अल्लाह ताला ने बड़ा कमाल रखा है, बड़ी बरकत रखी है। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बेशुमार वाकियात देखते चले जाएं, आपको पता चलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं की और दुआएं करने की तरगीब दिलाई, इसलिए कि दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। और आगे मैं आपको बताऊं, खास तौर पर जब दुआ किसी मजलूम की दुआ होती है ना, इस मजलूम की दुआ की तासीर कई गुना बढ़ जाती है। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, फइन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाही हिजाब, जब मजलूम दुआ करता है उसकी दुआ में और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, फइन्नहा महमूलतुन अलल गमाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मजलूम की जो बद्दुआ या दुआ होती, अपने हक में दुआ, जालिम के हक में जो बद्दुआ होती, ये दुआ आसमान पर बादलों से ऊपर उठाई जाती है और अल्लाह ताला के पास ये पहुंचाई जाती। अल्लाह के नबी ने तीसरी बात बयान फरमाई और ये रिवायत अबू दाऊद अत-तयालिसी की, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन करार दिया, कहा मजलूम की दुआ अल्लाह हर हाल में कबूल करता है चाहे मजलूम गुनहगार ही क्यों ना। वह इनका नफाजिरन फफुजूरहु अला नफ्सी, अगर वो गुनहगार भी है बदकार भी है, उसकी बदकारी की सजा जो गुनाह है उस पर होगा, लेकिन चूंकि वो मजलूम है, मजलूम होने की वजह से बदकार और गुनहगार होने के बाद भी अल्लाह दुआ कबूल करेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला से दुआ किया करो। मैं आपके सामने अगर वाकया सुनाओ कि मजलूमों ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने कैसे सुनी, बड़ी बड़े वाकया। साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला कूफा के गवर्नर थे, हजरत उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत में कूफा के शरपसंदों ने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के खिलाफ शिकायत पहुंचाई कि नमाज बड़ी जो है गड़बड़ की पढ़ाते, नमाज अच्छी नहीं पढ़ाते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने पहले तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से पूछा, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा कि उमर, मेरी नमाज का वही तरीका है जैसे अल्लाह के नबी पढ़ाते थे। मैं ईशा की नमाज पढ़ाता हूं तो पहली दो रकात में थोड़ी सी लंबी किरात करता हूं और उसके मुकाबले बाकी दो रकात को जरा हल्की। जो नबी की नमाज का तरीका वो बताया, हजरत उमर ने कहा कि ए साद, ए अबू इसहाक, मुझे यकीन था तुम्हारे बारे में, हुस्न ज़न था कि तुम्हारी गलती नहीं होगी, लेकिन शिकायत आई है तो पूछना जरूरी। हजरत उमर ने पूछा, उसके बाद हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के बारे में मालूम करने के लिए हजरत उमर ने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ कूफा की हर मस्जिद में लोगों से पूछो कि साद के बारे में उनकी राय क्या है। लोग गए, हजरत उमर के नुमाइंदे गए, जाकर उन्होंने पूछा, सबने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास की तारीफ की, जिससे मालूम हुआ कि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास पर शिकायत भेजा है, इल्जाम भेजा लगा है। साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा जा रहा था तो एक मस्जिद में जब पहुंचे तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा आप लोगों ने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं, साद इब्ने अबी वक्कास के अंदर तीन बड़ी खराबियां हैं। सबसे पहली बात तो यह कि ला यमशी बिसरिया, लश्कर भेजते खुद निकलते नहीं, यानी लोगों को भेज देते खुद जंग लड़ने निकलते नहीं। वला यक्सिमु बिसबिया, लोगों में माल तकसीम करते हैं तो बराबर बराबर नहीं करते, ऊंच नीच करते हैं। वला यादिलो फिल कदिया, लेकिन जब और इसी तरह जब कोई फैसला करते इंसाफ से फैसला नहीं करते। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफ हुई, इसलिए कि ये इल्जाम था, बेजा बात थी। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने वही दुआ की कि अल्लाह ताला, ये बंदा अगर झूठा है और महज लोगों में नाम कमाने के लिए खड़ा हुआ और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है तो अल्लाह ताला इसे लंबी उम्र भी देना, इसे फकर फाके में भी मुबतला करना और अल्लाह ताला इसे हमेशा फितनों में मुबतला करके रखना। बद्दुआ की हजरत साद ने, जब हजरत साद ने यह बद्दुआ की मामला खत्म हो गया, हजरत उमर ने कोई इकदाम नहीं किया इसलिए कि कोई मसला साबित नहीं हुआ, लेकिन मुअर्रिखीन ने लिखा वो जालिम जिसने हजरत साद पे बेजा इल्जाम लगाया था, अल्लाह ताला ने हजरत साद की बद्दुआ कबूल की, लंबी उम्र भी मिली, इस कदर के आदमी झुक गया बिल्कुल और फकरो फाके की ऐसी हालत, फकीरी की ऐसी आजमाइश में कि दुनिया के लिए नमूने इबरत बन गया। और इतना ही नहीं, बुढ़ापे में यह हालत थी कि यह जो पलकें तक नीचे झुकाई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने औरतों के फितने में ऐसे मुब्तला किया था, बुढ़ापे की उस हालत में भी नौजवान लड़कियों के पीछे आंख मटकता हुआ, आंखें मारता हुआ घूमा करता था। हजरत साद की बद्दुआ लगी और दुनिया वालों के सामने कहता था, असाबतनी दावत साद,
सच तो यह है कि साद की बद्दुआ मुझे लगी है, वह खुद कहता फिरता था असाबतनी दावत साद। अल्लाह के बंदो, मजलूम जब बद्दुआ करता है अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है। इसलिए दुआ को कोई कमजोरों का सहारा ही नहीं, कमजोरों का सबसे बड़ा सहारा समझकर इस सहारे को अपनाओ। सईद इब्ने ज़ैद इब्ने अमर इब्ने नुफैल अशरा मुबशरा में से सहाबी रसूल हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी पर एक खातून ने इल्जाम लगा दिया कि मेरी जमीन इन्होंने कुछ हिस्सा हड़प लिया, मेरी जमीन का कुछ हिस्सा इन्होंने ले लिया है। सईद इब्ने ज़ैद जैसे शरीफ आदमी के लिए इल्जाम बहुत बड़ा था। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के नबी की हदीस सुनी हुई कि ना कोई एक बाली जमीन भी ले लेता है, अल्लाह ताला सात जमीनें कयामत के दिन उसके गले का तौक बना देता है। ऐसी हदीस सुनने के बाद क्या मैं किसी की जमीन पे कब्जा करूंगा? फिर उसके बाद हजरत सईद इब्ने ज़ैद को जो बदनामी झेलनी पड़ी, या इस खातून के इल्जाम की वजह से दुनिया के सामने जो शर्मिंदा होना पड़ा, झूठा इल्जाम था। अपनी इस मजलूमियत की हालत में सईद इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला ये औरत अगर झूठी है इसे अंधी कर दे और इसे अपने अपनी जमीन ही में तो हलाक कर दे। मुअर्रिखीन ने लिखा अल्लाह ने इस खातून को अंधा कर दिया, यहां तक कि चलती थी तो दीवारों का सहारा लेकर चलती थी, और जब ऐसी तकलीफ का सामना था तो कहती थी असाबतनी दावतु सईद, सईद इब्ने ज़ैद की बद्दुआ ने मुझे बर्बाद कर दिया, सईद इब्ने ज़ैद की बद्दुआ ने मुझे तबाह कर दिया। वो अपने ज़बान क़ाल से इकरार करती थी, और अल्लाह के मुअर्रिखीन ने लिखा बिलाखिर उसी जमीन में जिस जमीन के बारे में दावा किया था यह कुआं था, अंधी होने की वजह से गई उसे कुएं में गिर कर वह हलाक और बर्बाद हो गई। मौत आई भी तो हजरत सईद की बद्दुआ लगकर उसकी मौत आई। अल्लाह के बंदो, वाकियात बेशुमार, वाकियात बेशुमार जो बताते हैं कि दुआ में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। और एक बात याद रखना, बड़ी अहम बात याद रखना, कई बार लोग ये सोचते हैं हम दुआ करते हैं हमारी दुआ का असर फौरी नजर नहीं आता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदरक हाकिम और मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया बंदा जब दुआ करता है अल्लाह तीन में से कोई एक काम जरूर अल्लाह ताला देता है, तीन में से कोई एक बात अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है, जो मांगता है वो अल्लाह दे देता है। आज हम मांगते हैं, जो दुआ हम मांगते हैं मजलूमों की मजलूमियत का खातिमा हो जाए और जालिमों के जुल्म के साथ जालिमों का खातिमा हो जाए, अल्लाह चाहेगा अल्लाह यही कबूल कर लेगा, या फिर अल्लाह ताला जो हम मांगते हैं वो नहीं देता तो अल्लाह ताला क्या करता है इस दुआ के बदले में किसी और बड़ी मुसीबत को टाल देता है। हो सकता है हमारी दुआओं से उम्मत के हालात हमारे हिसाब से बदलते ना, लेकिन हमारी इन दुआओं से कम यह जरूर होता है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से उम्मत पे आने वाली और कई बड़ी मुसीबतें टल रही हैं, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रही हैं। और तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, ये दोनों नहीं होते तो कम से कम अल्लाह ताला ये दुआएं उठाकर रखता है। रोजे कियामत लोगों को इस दुनिया से ज्यादा उन दुआओं की जरूरत होती है, अल्लाह ताला वहां इन दुआओं का फायदा अता करता है। हो सकता है उम्मत के हक में की गई हमारी दुआएं यहां कबूल होती नजर ना आए, लेकिन रोजे कियामत अल्लाह ताला इसी के जरिए इन मासूमों की, इन मजलूमों की, इन बच्चों की, इन बेवाओं की, इन यतीमों की, इन बूढ़ों की, इन औरतों की अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की मुआफी और इनके दराजात की बुलंदी के लिए अल्लाह ताला इसको रखेगा। दुआ करो के बार बार दुआ करो। सहाबा ने जब यह सुना तो सहाबा ने कहा इदन नुसिर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अगर बात यह है कि तीन में से कोई एक चीज मिलना तय है तो अल्लाह के नबी तब तो हम खूब दुआ करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा करो, फल्लाहु अक्सर, तुम्हारी दुआ जितनी है अल्लाह ताला की नवाजिश उससे कहीं ज्यादा, तुम दुआ करते करते थक जाओ अल्लाह ताला उससे कहीं ज्यादा देने वाला, फल्लाहु अक्सर, अल्लाह उससे कहीं ज्यादा देता है। मेरे भाइयों, मैं कहना यह चाहता हूं कि हम दुआएं करें अपनी नमाजों में, अपने फराइज में, अपनी सुन्नतों में, हम एहतमाम करें दुआओं का। और ये बात याद रखें पंज वक्ता नमाजों में ज्यादा सही कौल के मुताबिक जुमा में खुतबे में दुआ करना चाहिए, नमाज में दुआ करने से परहेज करना बेहतर है, लेकिन इनके अलावा बकिया पंज वक्ता नमाजों में कुनूत नाजिला का एहतमाम करना चाहिए, एक बात। और दूसरी एक अहम बात आपके सामने मैं जिक्र कर दूं, अभी कल के दिन आपने एक मसला सोशल मीडिया पे देखा होगा, कुछ लोगों ने फलस्तीनियों के हक में दुआ के नाम पर बैनुल अक्वामी दुआ का दिन मनाया, यानी यह कहा कि जुमेरात के दिन हम सब मुसलमान रोजा रखेंगे और सारे मुसलमान एक साथ फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। याद रखो अल्लाह के बंदो,
दुआ करनी चाहिए कि आज तो सारा खुतबे में मैंने यही बात बताई, और दूसरी बात यह है कि अपने नेक आमाल का वसीला भी लेके दुआ करनी चाहिए, जैसे गार के तीन आदमियों के वाकये में मैंने आपके सामने जिक्र किया। लेकिन इस तरह इज्तिमाई शक्ल बनाना कि सारी दुनिया के लोग एक दिन पूरे रोजा रखेंगे और एक दिन खास करके उसके लिए दुआ करेंगे, याद रखना इस्लामी शरीयत की नजर में यह अमल बिदअत है। दुआ करनी चाहिए, अपने नेक आमाल का वसीला लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ग्लोबल डे मनाना, ऐसी कोई शक्ल इख्तियार करना इस्लामी शरीयत की नजर में बिदअत की एक शक्ल है, ऐसी शक्ल इख्तियार करने से बचें। अलबत्ता दुआ करें, खूब करें, बार बार करें कि ये अल्लाह ताला के पास इंसान को ताकतवर बनाती है और ताकतवर के ताकतवर में इजाफा करती है। हाजीने गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से यह दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला फलस्तीन के मुसलमानों की मजलूमियत का खातिमा फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया के हर खत्ते गोशे में जहां जहां मुसलमानों पर नाहक जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उस जुल्म का खातिमा फरमाए। जहां कहीं मासूमों पर, वो मुसलमान हो के गैर मुस्लिम है, मासूमों पर जहां कहीं जुल्म हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उस जुल्म का खातिमा फरमाए। अल्लाह ताला जालिमों की पकड़ करे, जालिम अगर सुधरे नहीं तो अल्लाह ताला जालिमों को हलाक और बर्बाद कर दे। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, जवानों की, बीमारों की, सेहतमंदों की, सबकी अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम किस्म के मजबूरों की मजबूरी को दूर फरमाए। जहां हमारी मदद नहीं पहुंच पाती, अल्लाह ताला तू अपने गैब से उनकी मदद कर दे, अपनी मदद उन तक पहुंचा दे। अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के मुसलमानों के दिल इस वक्त मजरूह है, अल्लाह ताला उनके दिलों को सुकून अता फरमा। इस दुनिया में इंसानियत के साथ जो शर्मनाक सलूक हो रहा है, उन लोगों को इंसानियत अता कर, और अगर वो इंसानियत नहीं अपनाते तो उनको इस इंसानी मुआशरे से खत्म कर दे। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमारी और आपकी जानो ईमान से बढ़कर हमारे और आपके दीनों ईमान की हमें अल्लाह ताला हिफाजत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ताला जब तक हमें रख, दुनिया में ईमान और इस्लाम पर कायम रख, और जब अपने पास बुला तो ईमान की हालत में बुला। ऐ अल्लाह ताला हम में से जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्जदार है उनके कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमा, जो लोग इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला तेरी राह में तेरे नाम पे जो सताए जाते उनके दर्जात बुलंद फरमा, और जो लोग इस राह में मारे जाते अल्लाह ताला उनको शहादत का दर्जा अता करके कबूल फरमा। अल्लाह ताला हम और आप, अल्लाह ताला हम सब बंदे तेरे गुनहगार बंदे हैं, हमारे अपने गुनाहों से ज्यादा हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी के साथ तेरी रहमत की उम्मीद लेकर तेरे सामने अपना दामन फैला रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा, मजलूमों की मदद फरमा, जालिमों की गिरफ्त फरमा, दीनों ईमान वाली जिंदगी हम सबको नसीब फरमा, और दुनिया वालों को अल्लाह ताला समझ नसीब फरमा, इंसाफ के साथ खड़े होने, मजलूमों का साथ देने और जालिम का हाथ रोकने की तौफीक सबको नसीब फरमा। आमीन। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।